बड़ी खबर लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। महाराष्ट्र धन घोटाले मुंबई में ईडी दफ्तर में पिछले करीब 10 घंटों से पूछताछ चल रही है। ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में भुजबल के समर्थक भी जमा है, जिसके चलते सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो वही भुजबल ने कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ईडी ने समन भेजकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी भुजबल को पूछताछ के लिए बुलाया था। आरोपों के मुताबिक महाराष्ट्र सदन के निर्माण की लागत 52 करोड़ से बढ़ाकर 152 करोड़ पर पहुंच गई थी। भुजबल पर महाराष्ट्र सदन के निर्माण में गड़बड़ी, इंडोनेशिया में गलत तरीके से कोल खदान खरीदने की कोशिश, आय से अधिक संपत्ति जैसे कई गंभीर आरोप हैं। आरोप इस तरीके के भी हैं कि छगन भुजबल के भतीजे और मामले में आरोपी समीर भुजबल को पिछले महीने पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके बाद गिरफ्तार किया गया था। और अभी छगन भुजबल, जिनसे 10 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और हो सकता है, समझा जा रहा है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं छगन भुजबल की। तो वहीं ईडी की पूछताछ शुरू होने से पहले छगन भुजबल ने आरोप लगाया था कि बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम पूरा पूरी जो है कॉपरेशन करेंगे इसके लिए, जो और अश्विनी पांडे तमाम जानकारियां देने के लिए। अश्विनी, अभी किस तरीके की जानकारी मिल रही है कि अभी भी ये पूछताछ जारी है, और क्या ये समझा जाए जिस तरीके से पिछले महीने छगन भुजबल के भतीजे की गिरफ्तारी हुई थी, उनसे भी ईडी ने लंबी पूछताछ की थी और उसके बाद गिरफ्तारी की थी, क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस पूछताछ के बाद छगन भुजबल की? जी देखिए, मुश्किलें काफी हद तक बढ़ भी गई हैं। करीब 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 11:15 बजे छगन भुजबल ईडी दफ्तर पे पहुंचे थे। 11:30 बजे से लगातार जो है पूछताछ चल रही है। अभी इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं। 10 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है पूछताछ शुरू हुए। छगन भुजबल से जो है ईडी चाहती थी वो पूरी तरह से जवाब सही और सही दिशा में दे, जिस दिशा में ईडी चाहती है। लेकिन छगन भुजबल की तरफ से पूछताछ में कई जो है टालमटोल आ रही हैं, कई ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं जो ईडी जो है शायद नहीं जानती थी। फिलहाल ईडी इस पूरे मामले में छगन भुजबल ने जो फाइलें लेकर आई है उसकी भी जांच कर रही है। छगन भुजबल ने, क्योंकि समीर भुजबल से पहले भी पूछताछ हो चुकी है, जो सवाल समीर भुजबल से पूछे गए थे उस आधार पर छगन भुजबल ने उसके जवाब तैयार करके लाए थे। लेकिन छगन भुजबल से कुछ ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं जो समीर से नहीं पूछे गए थे, तो उनकी तैयारियां शायद छगन भुजबल को नहीं थी, इसलिए उन जो जवाब दिए जा रहे हैं वो काफी टालमटोल वाले हैं। ये सबसे बड़ी वजह है कि अभी तक जो है पूछताछ चली रही है। अब आशंका ये भी जताई जा रही हो सकता है कि छगन भुजबल की गिरफ्तारी भी हो जाए। हालांकि ये अभी जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले में एक व्यक्ति यानी समीर भुजबल, जो छगन भुजबल के भतीजे, उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, तो ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल अश्विनी, आपसे हम आगे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से अश्विनी बता रहे थे, कई ऐसे सवाल हैं जो शायद समीर भुजबल से नहीं पूछे गए थे और छगन भुजबल से पूछे जा रहे हैं, और इस वजह से जो जवाब है वो साफ तौर पर नहीं दिए जा रहे हैं, टाल मटोल भी की जा रही है। लेकिन शायद जिस तरीके से पिछले महीने अगर हम देखें तो लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई थी समीर भुजबल की, उसी कड़ी में अगर इसको देखें तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है गिरफ्तारी हो जाए। फिलहाल अभी स्पष्ट तौर पे इस पे कोई भी जानकारी मिल नहीं रही है। बढ़ते आगे, विलफुल डिफॉल्टर और राज्यसभा सांसद विजय माल्या के विदेश भागने पर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने माल्या को लेकर सीधे सीधे वित्त मंत्री अरुण जेटली पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि 2 मार्च को विदेश भागने से पहले माल्या जेटली से मिले थे। क्या सरकार इस पूरी बातचीत का मसौदा देश के सामने लाएगी? कई तरह के सवाल यहां पर खड़े किए गए। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि जो बातचीत हुई है, क्या वो अब बताई जाएगी कि क्या बातचीत रही है? क्या 2 मार्च को देश छोड़कर जाने से पहले माननीय अरुण जेटली साहब से श्री विजय माल्या मिले और बातचीत की? क्या श्री अरुण जेटली जी ने इस बातचीत का मसौदा और वार्तालाप की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की? क्या सरकार इस बातचीत और मुलाकात का पूरा मसौदा देश की संसद और जनता से साझा करेगी?
तो वही संसद में कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने माल्या के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो सरकार ने भी कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की हिदायत दे दी है। विजय माल्या 10,000 करोड़ लेकर जब चला गया तो इन्होंने एक लुकआउट नोटिस जारी की कि उसे जहां भी इमिग्रेशन में मिले उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन चूंकि इन्हीं के टिकट पर इन्हीं के समर्थन से वो जीत कर आया था तो इन्होंने अपनी लुकआउट नोटिस को कैंसिल किया और ये कहा सिर्फ सूचना कर दिया जाए, जिसका फायदा उठाकर विजय माल्या आरोपी छोड़कर भागा। उनको जवाब देना पड़ेगा, उनका जमाने में ऐसा लोन्स लेफ्ट एंड राइट कैसा दिया है, क्यों उन्होंने जागरूक होके उस समय सिस्टम को फॉलो नहीं किया, उन विषयों के बारे में जवाब सदन को बताना चाहिए तो बताने दीजिए, अच्छा है। तो विजय माल्या की राज्यसभा सदस्यता भी रद्द हो सकती है और इसी मसले पर करण सिंह की अगुवाई वाली राज्यसभा की आचरण समिति की बैठक में विचार विमर्श हुआ है, हालांकि आज इस पर कोई फैसला हो नहीं पाया है। ऐसा है कि आज सुबह ही चेयरमैन साहब की तरफ से ये फाइल आई थी विजय माल्या के बारे में, तो वो हमारी मीटिंग तो पहले से तय थी, उसमें और दो और मसले थे, तो ये तीसरा मसला भी हमने देखा और हमने उसको कॉग्निशंस ले लिया और हमारे जो रूल्स हैं उसके मुताबिक हम आगे अब चल रहे हैं। तो वही विजय माल्या के खिलाफ ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। N24/7 को मिली जानकारी के मुताबिक जांच में ईडी को माल्या के खिलाफ काफी सबूत मिले हैं। ईडी को इस बात के सबूत भी मिले हैं कि हेरा फेरी कर माल्या ने बड़ी रकम विदेश भेजी है। माल्या ने ये रकम टैक्स हेवन देशों में भेजी है और अब ईडी ये सबूत जुटाने में लगी है कि रकम किसको और कैसे भेजी गई है। तो वहीं इस मामले में किंगफिशर के पूर्व CFO ए रघुनाथन से भी ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी रघुनाथन से मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। पहले भी ईडी रघुनाथन से पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने IDBI बैंक के अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। IDBI बैंक ने किंगफिशर को 900 करोड़ रुपए का लोन दिया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही। देहरादून में घोड़े से मारपीट के मामले में मसूरी से BJP विधायक गणेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उधर MLA गणेश जोशी ने अपनी सफाई में कहा है कि घोड़े को पूरा दिन पानी नहीं पिलाया गया था, इसलिए वो गिर गया था। विधायक ने कहा है कि वो इसके लिए दोषी नहीं है। उधर अब मामले में सियासत भी शुरू हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि BJP की डिक्शनरी में सहिष्णुता शब्द नहीं है। आपको बता दें कि देहरादून में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान BJP विधायक गणेश जोशी पर पुलिस के अश्व दल में शामिल एक घोड़े पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाने का आरोप लगा था। ये भी कहा गया कि घोड़े की लगाम खींचकर उसे BJP कार्यकर्ताओं ने जमीन पर गिरा दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि बाद में घायल घोड़े को वेटरनरी और एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया। देखिए घोड़ा मैं भी बेल्ट से गिरा हूं तो मेरी भी फ्रैक्चर हो गया, मैं कहूं कि पुलिस ने तोड़ दिया, वो तो घोड़ा अपने बेल्ट से भी जो है, और उन्होंने पानी नहीं पिला रखा था, जब उन्होंने पानी पिलाया आपने देखा होगा, पानी पिलाने के बाद जो है घोड़ा एकदम खड़ा हो गया, जब सुबह से आपने धूप में भूखे उस घोड़े को खड़ा करा हुआ है और प्यासा है, वो न कि उससे हुआ लेकिन प्यास के मारे बेचारा जो है, जब हमने कहा कि आप पानी लाओ, एक बाल्टी पानी लाया, पानी पीते ही घोड़ा खड़ा हो गया। निर्जीव घोड़े के ऊपर लाठी प्रहार कर रहे हैं, स्टैम्पेड पैदा कर दिया था, वो तो मैं पुलिस की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा संयम रखा, नहीं तो स्टैम्पेड में कुछ भी हो सकता था। बड़ी मुश्किल से स्थितियाँ कंट्रोल में आई और घोड़े की टांग तोड़ दी। अब एक निर्जीव जानवर के ऊपर लाठी परछाए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सहिष्णुता सीखनी चाहिए। लगता है भाजपा की डायरेक्टरी में जो है सहिष्णुता शब्द है ही नहीं उनकी डिक्शनरी के अंदर। जनता करेगी कार्रवाई, जनता पहचानेगी भाई किस तरीके का राजनीतिक दल है, जिम्मेदार आचरण नहीं है, पशुवत आचरण है, तो जनता फैसला करेगी। और सोनू सिंह ने तमाम जानकारियां देने के लिए, सोनू विधायक साहब तो कह रहे हैं कि दरअसल उन्होंने तो पानी पिलाया था घोड़े को, कोई गलती तो उनसे हुई नहीं है, उनके खिलाफ तो केस हो गया है, लगता है कुछ होगा। देखिए जिस तरह से श्वेता इसमें सियासत हो रही है, निश्चित तौर पर केस भले ही इसमें दर्ज कर लिया गया हो लेकिन जब जांच इसमें आगे बढ़ेगी तो उसके बाद तस्वीर साफ होगी, क्योंकि विधायक BJP के गणेश जोशी का साफ तौर पर ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो उन्होंने यदि लाठी चलाई भी है तो वो घोड़े के शेष वाले हिस्से पे
लाठी लगी होगी, जबकि घोड़े के पिछले पैर में चोट लगी है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं और पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं, वो तर्क दूसरा नजर आ रहा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इसमें सियासत ज्यादा हो रही है और हकीकत है वो इसमें कम नजर आ रही है। तो ये देखना होगा कि जब जांच होगी जो वास्तविक तस्वीर है वो क्या निकल कर के आती है। सोनू, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात यूपी के फैजाबाद के गुमनामी बाबा से जुड़ी हुई और उनके बक्से से जुड़ी हुई। कलेक्ट्रेट की ट्रेजरी में रखे इस बॉक्स में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की अखबार में छपी फोटो मिली है। अब्दुल गनी का लिखा एक खत भी मिला है। तो 1947 का उजाला अखबार मिला है, एक किताब मिली है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के बारे में लिखा गया है। ये बक्सा मुखर्जी आयोग के कब्जे में था। तो एक एक करके जो बक्से खुल रहे हैं उससे जो भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो भी सामान निकलकर सामने आ रहा है, वो जरूर ये दिखाता है, इस ओर इशारा कर रहा है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। हालांकि पुष्टि नहीं इस बात की जा रही, लेकिन जो जो सामान मिल रहे हैं उनके पास से वो सारे वो उस तरीके से मेल खा रहे हैं जो नेताजी के पास हुआ करते थे। तो गुमनामी बाबा और नेताजी को लेकर क्या है रहस्य, ये भी हम आपको बताते हैं। गुमनामी बाबा को करीब से जानने वालों का ये दावा है कि नेताजी से मिलती जुलती थी उनकी बहुत सारी बातें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलती हैं गुमनामी बाबा की तस्वीर। नेताजी की तरह ही गुमनामी बाबा 6 फीट के थे। राम भवन से गुमनामी बाबा का चश्मा, दस्तावेज और खत मिले हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। आसाराम केस के गवाहों की हत्या के मामले में शार्प शूटर को पकड़ लिया गया है। अहमदाबाद में गुजरात एटीएस ने कार्तिक नाम के शार्प शूटर को पकड़ा है। एटीएस ने इस गिरफ्तारी के बाद 3 हत्या और 5 हत्या की कोशिश के मामलों को सुलझाने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि गवाह अमृत प्रजापति की हत्या के लिए कार्तिक को 25 लाख रुपए दिए गए थे। ये आसाराम का भक्त था और आसाराम खुद को ये मानता था कि ये हमारे गुरु है, हमारे भगवान है और इनके लिए अपने जैसे देश सेवा करते हैं, इस तरह से आसाराम को छुड़वाने के लिए सब कुछ करना चाहिए। आसाराम के जितने भी विरोधी है इनको ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा इस वो मान्यता रखता था। 3 मर्डर और 4 अटेम्प्ट टू मर्डर के जो इंसिडेंट्स बने वो सब में ये कार्तिक इलियास राजू हल्दर जो है शामिल है। मेरे गम क्या कुछ कम थे कि कुदरत भी मुझसे खफा हो गई। जी हाँ, बेमौसम बारिश से देश का अन्नदाता परेशान है क्योंकि फसल खराब हो चुकी है। खेतों में खड़ी फसल पानी की भेंट चढ़ चुकी है। ओलावृष्टि की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। आज ये मुद्दा लोकसभा में भी उठा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ तौर पर सरकार से एक टीम भेजकर उन जगहों पर मुआयना करा करके मुआवजे की मांग की है। तो सरकार ने भी कहा है कि नहीं, हमारी कोशिश होगी कि किसान परेशान ना हो, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। लेकिन किसान क्या कुछ सोच रहा है, वो किस तरीके से परेशान है क्योंकि जो मेहनत उसने की थी उस पर अब पूरी तरीके से मौसम ने उसकी जो भी मेहनत है उस पर पानी फेर दिया है। देखते हैं रिपोर्ट और समझते हैं इस वक्त क्या स्थिति है। बेमौसम बारिश और ओलों से बर्बाद हुई फसल को देखकर देश के अन्नदाता का न सिर्फ दिल बैठ गया है बल्कि उसकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। खड़ी फसल खेत में ढह गई। किसानों की इस तकलीफ में उनके दर्द में इंडिया 24/7 बराबर का शरीक है। यूपी से लेकर पंजाब तक, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, पूरे देश में किसानों की परेशानी, उनकी बेबसी को इंडिया 24/7 देश के सामने रख रहा है। इंडिया 24/7 की इस संजीदा कवायद का खासा असर हुआ है। बेमौसम बारिश से किसानों की फसल बर्बाद होने का मुद्दा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया। राहुल ने फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए जल्द केंद्रीय टीम प्रभावित इलाकों में भेजने के साथ साथ किसानों के लिए मुआवजे की भी मांग की। उत्तर भारत में किसानों का जबरदस्त नुकसान हुआ है, बारिश ओले से नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन ले, सेंट्रल टीम जाए, जिन प्रदेशों में नुकसान हुआ है वहां असेस करें और जल्दी से जल्दी सरकार एक्शन ले। वहीं केंद्र सरकार भी किसानों की समस्या को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। फसल बर्बादी को लेकर राज्यों के कृषि मंत्रियों से भी बातचीत की जा रही है। सरकार जल्द किसानों को राहत पहुंचाने का भरोसा दिला रही है। भगवती जी, जो राहुल जी ने इश्यू उठाया, ये गंभीर मामला है। कारण क्या है, जब मैंने अखबार में देखा, कल शाम को भी न्यूज पढ़ा,
तो मैंने तुरंत कृषि मंत्री से बात किया, कृषि मंत्री सभी प्रदेशों से संपर्क कर रहे। इन सब के बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बारिश और ओले की मार झेल रहे किसानों का हाथ थामा है। सीएम शिवराज ने मुआवजे के साथ साथ किसानों से कर्ज न वसूलने का ऐलान किया है। भरपूर सहायता करेंगे, मैंने पहले भी घोषित किया है, 15,000 रुपए प्रति हेक्टर की दर से राहत की राशि देंगे, उसके अतिरिक्त ऋण वसूली उनकी स्थगित करेंगे, अगले साल भी 0% ब्याज पर कर्जा देंगे, ऋण के एक साल का ब्याज सरकार चुकाएगी। मार्च में मुसीबत बनकर आए मौसम ने किसानों को मायूस किया है, मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इंडिया 24/7 देश के किसानों के साथ खड़ा, सरकार भी मदद का भरोसा दे रही है। अब देखना होगा कि सरकारी वादों को किस तरह और कितनी जल्दी अमल में लाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो ये कहानी किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हम कहीं भी अगर देखें तो कमोबेश किसानों की स्थिति एक जैसी ही देखने को मिलती है। मौसम की मार, हाल बेहाल, कर्ज के आगे विवश, और कई जगह तो खुदकुशी करने को मजबूर हो रहे हैं किसान, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेहनत पर पानी फिर गया। जो कर्ज ले रखा था फसल की वजह से, अब उसको कैसे चुकाया जाए, घर की आर्थिक स्थिति को कैसे पूरा किया जाए, ये वो कई सवाल हैं जिनसे किसान दो चार हो रहा होता है, और आखिरी में जब कुछ नहीं सूझता तो मौत को गले लगाने को मजबूर हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में बेमौसम बरसात ने किस कदर किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं गाजीपुर की तस्वीर, जहां किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश और ओले की वजह से करीब 30% फसल बर्बाद हो चुकी है। गेहूं, चना और आम को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यही नहीं, चना, मसूर, गेहूं की फसलों को करीब 20% नुकसान हुआ है। फसलों पर इससे जो है बहुत नुकसान होगा। जो गेहूं की फसल खड़ी है जिसमें किसान भाई सिंचाई कर दिए थे, और इस बीच जो हवा के साथ जो बारिश हुई है, गेहूं की फसल गिर गई है, उसमें दाने हल्के पड़ेंगे और उत्पादन जो है गेहूं का घटेगा। इसी तरीके से जो जौ लगाए हैं उसमें भी उत्पादन घटेगा। किसान भाई जो आलू की खुदाई नहीं कर पाए हैं और आलू खेत में पड़ा हुआ, जो बारिश हो रही है इससे आलू में भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। और जो इस बार आम में बहुत ज़्यादा बौर आया हुआ है, तो आम की फसल में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। चलिए जरा गाजीपुर के बाद मिर्जापुर की बात कर लेते हैं। यहाँ भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। कुदरत का कहर इस कदर बरपा है कि सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। तेज हवा के साथ बारिश और ओले ने किसानों की कमर तोड़ दी है। गेहूं के साथ सभी दलहन और तिलहन की फसलें तबाह हो चुकी हैं। मिर्जापुर के पटेरा, लालगंज, हालिया, इसके अलावा कई ऐसी जगह हैं जहां पर दर्जनों ऐसे इलाके हैं जहां किसानों का हाल बेहाल है। बेहद मुश्किलें हो रही हैं क्योंकि साहूकार से कर्ज ले रखा है, फसल तैयार थी, बेमौसम बरसात की भेंट वो चढ़ गई। अब ऐसे में कैसे अदा किया जाएगा वो कर्ज जो लिया गया है बैंकों से, साहूकारों से। हालांकि सरकार ये कह रही है कि कर्ज माफी की एक योजना भी है, फसल बीमा योजना भी सरकार लेकर आई है, लेकिन क्या ये किसानों को राहत दे पाएंगे? क्योंकि इस बार का जो बजट है उसमें भी किसानों के लिए बहुत कुछ करने की बात रखी गई है, कई तरह की योजनाएं भी रखी गई हैं, लेकिन क्या उनके मरहूमों पर ये दवा का काम कर पाएंगे? पत्थर भी पड़ा, पानी भी काफ़ी गिरा, कई बार पानी गिर चुका है, तीन चार बार लास्ट बार निकल जाएगा। फिर देखिए अभी कोई ठीक नहीं, खेत में कैसे पड़ा हुआ है, वो तो सब नष्ट हो गया। सरसों हम लोग एकदम खैरियान में सड़ रही है। बारिश हुई है, ओला गिरा है, गेहूँ गिर गया, सरसों का फसल भी गिर गया, नुकसान हुआ। कर्जा लेकर लगाए थे कि आगे बाल परिवार के लिए, बच्चन के लिए हो जाएगा, नहीं हुआ तो वो क्या करें उसके आगे। अब फिर कर्जा लेकर के मोल खरीद कर तो भोजन पानी होगा। इधर यूपी में अखिलेश सरकार कल 4 साल पूरे कर रही है। इससे पहले आज अखिलेश सरकार ने यूपी की जनता को कई सौगातें दी। एक ओर जहां किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेंटर खोलने का प्रस्ताव जिसको मंजूरी दी गई, तो वही कानपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट के DPR को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। यूपी की सत्ता संभाले सीएम अखिलेश यादव को मंगलवार को 4 साल पूरे हो जाएंगे। सरकार की चौथी वर्षगांठ पर अखिलेश कैबिनेट ने सूबे की जनता को कई बड़े तोहफे दिए हैं। अखिलेश कैबिनेट की बैठक में 18 मंडल मुख्यालयों में डायलिसिस यूनिट को मंजूरी दी गई है। अब सभी 18 मंडल मुख्यालयों में
पीपीपी मॉडल पर डायलिसिस सेंटर बनाए जाएंगे, जहां किडनी के मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस सुविधा मिलेगी। पीपीपी पर डायलिसिस का प्रोग्राम सरकार बना रही है, जिससे कि जिन्हें डायलिसिस करना है कराना है, कई बार गरीब डायलिसिस नहीं करा सकते, डायलिसिस सेंटर बनेंगे तो जहां दवाई फ्री की, पैथोलॉजी में जांचें फ्री की, वहीं डायलिसिस भी फ्री करने सरकार जा रही है। सूबे में विकास को रफ्तार देने वाले कई प्रस्तावों को भी अखिलेश कैबिनेट ने हरी झंडी दी। कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर रिपोर्ट को मंजूरी दी। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में कुल 32 किलोमीटर की लंबाई में दो कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। इन दोनों कॉरिडोर्स में कुल 31 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिसमें 19 एलिवेटेड और 12 अंडरग्राउंड हैं। परियोजना की कुल लागत 13,721 करोड़ रुपए अनुमानित है। कानपुर में अब जल्द ही मेट्रो का सपना पूरा होगा। जो डीपीआर बना था, आज कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है, केंद्र सरकार को हम लोग भेज रहे हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि कानपुर में भी उसका मेट्रो का शिलान्यास और आगे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसके बाद अगला शहर होगा वाराणसी। इसके साथ ही अखिलेश कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिक नीति और वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि 400 रुपए प्रति माह करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। लखनऊ से अमिता पारूल, इंडिया 24/7। अगले हफ्ते आपको बैंक में कोई काम है तो उसे जल्द से जल्द निपटा लीजिए, क्योंकि 23 से 27 मार्च तक लगातार 5 दिन बैंक बंद रहेंगे। 23 मार्च को होलिका दहन है, 24 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी, 25 मार्च को गुड फ्राइडे, 26 मार्च को महीने का चौथा शनिवार और 27 मार्च को रविवार। हालांकि रविवार को खुलने वाली बैंकों की शाखाओं में कामकाज होगा। कई राज्यों में 4 दिन की ही छुट्टी है, कुछ राज्यों में होलिका दहन की छुट्टी नहीं होती है, यानी लोगों को एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग से काम चलाना पड़ेगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी को देशद्रोह करने और पाकिस्तानियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नोटिस भेजा गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने शाहिद अफरीदी से 15 दिनों में जवाब मांगा है। दरअसल शाहिद अफरीदी ने कल कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान की तुलना में भारत में अधिक प्यार मिलता है और उन्हें भारत में खेलना काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद पाकिस्तान में बवाल मचा। पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर्स भी अफरीदी को उनके हिंदुस्तान प्रेम को लेकर निशाना साध रहे हैं। इधर राजीव शुक्ला ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अफरीदी को दिया गया नोटिस गलत है और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अफरीदी को नहीं कोसना चाहिए। अगर पाकिस्तान में इस बात को लेके उल्टी प्रतिक्रिया हो रही, उल्टा रिएक्शन हो रहा है, तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। ना मैयादात को ऐसा बोलना चाहिए और ना किसी को उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, केस करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो एक देश में आए हैं, मेहमान की तरह आए हैं। उन्होंने यहाँ निश्चित रूप से पाकिस्तानी प्लेयर्स के खेल को लोग पसंद करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो इसलिए यहाँ लोग उनको निश्चित रूप से उनके खेल की सराहना करते हैं, खेल को देख के खुश होते हैं। तो इस पर उन्होंने एक टिप्पणी की, इसमें उन्होंने ये थोड़ा कहा कि पाकिस्तान के लोग खराब है।